क्या जाने शादी से पहले हमारा पहला वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो शायद आप जानते होंगे हमने बात की थी जेंडर इक्वालिटी की। जिन्होंने नहीं देखा है वो सबसे पहले हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे पहले जो भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं उनको बहुत अच्छे से देखिए। जो देख चुके हैं उनके लिए भी, जो नहीं देख चुके हैं उनके लिए भी। आज का विषय बहुत खास, बहुत ज़रूरी, क्या जाने शादी से पहले। जेंडर इक्वालिटी पे हमने काफ़ी चर्चा पिछले वीडियो में की है, आज फिर उसको हम थोड़ा और आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने बहुत सारी बातें वो बताई थी जो लड़कियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। आज भी हमारा जो टॉपिक है वो लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, पर ज़्यादा हम बता रहे हैं आज उन लड़कों को या उस परिवार वालों को जहाँ पर आप अपने बेटे के लिए, भाई के लिए या जिसके लिए भी कन्या लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहूँगी लड़की के पेरेंट्स को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो भी हैं जो वर ढूंढ रहे हैं, जब हम कन्या के लिए वर ढूंढते हैं तो अलग अलग जॉब्स में लड़के होते हैं, अलग अलग नौकरियां कर रहे होते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मर्चेंट नेवी में है, कोई आर्मी में है, कोई रॉ में है, कोई आईबी में है, जो भी बहुत सारी नौकरियां हैं। हम देख तो लेते हैं अच्छी नौकरी, अच्छा कमाने वाला लड़का, पर कई बार हमको नहीं पता होता कि ये नौकरियाँ किस किस्म की हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, मैरिन इंजीनियरिंग, मैरिन इंजीनियर है लड़का, बहुत शानदार, भरपूर पैसा, भरपूर शानदार लाइफस्टाइल, सब कुछ है, पर आपको जान लेना चाहिए कि इस नौकरी की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको एडजस्ट करना होगा। जैसे आम तौर पर ऐसा होता है कि ये लड़के जो मैरिन इंजीनियर्स हैं ये 6 मंथ्स शिप पर रहते हैं और 6 मंथ्स घर पे रहते हैं या आपके आसपास। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि आप 6 महीने अलग रह सकें? अभी तो शुरुआती दिन है, फिर आगे आपका परिवार बढ़ता है, बच्चे आते हैं, परिवार आगे बढ़ता है, तो क्या आपकी लड़की उन परिस्थितियों में रह पाएगी? तो इसके लिए पहले से मानसिक रूप से लड़की, लड़की के घर वाले सब तैयार होना चाहिए कि लड़का ये नौकरी करता है, इस नौकरी की ये लिमिटेशंस हैं, ये फ़ायदे हैं, ये थोड़े से कमियां या खामियां तो मैं नहीं कहूंगी, पर ये नौकरी इस टाइप की है। जैसे लड़का अगर आर्मी में है तो उसकी फील्ड पोस्टिंग होती है, वो कहीं फील्ड पर जाएगा तो परिवार साथ नहीं रख सकता है। डिफेंस में जो लड़के हैं उनकी नौकरियां इस टाइप की हैं। रॉ में है, आईबी में है, उनको अपना आइडेंटिफिकेशन ही छुपा के रखना पड़ता है। तो क्या आपकी बेटी उस स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी? अगर आप ऐसा लड़का देख रहे हैं तो ज़रूर उस नौकरी के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और फिर पूरा परिवार मिलकर लड़की को भी साथ में बिठाकर इस बात के लिए तैयारी कर लीजिए कि इन स्थितियों में इस तरीके से रहना है, इस तरीके से एडजस्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार बहुत किस्से ऐसे होते हैं कि बाद में लड़कियां कहती हैं बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, पेरेंट्स कहते हैं हमने कहाँ शादी कर दी, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसा होता है, ऐसा ना हो ये आप बिल्कुल इसको इंश्योर कीजिए, ज़रूर पता करिए लड़का जो भी सर्विस कर रहा है, जो भी नौकरी कर रहा है, उसके क्या क्या तरीके हैं, कैसे वो जीवन अपना जीता है, उसकी दिनचर्या, सब कुछ जो भी है। दूसरी बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी जेंडर इक्वालिटी के संदर्भ में ही हम और आगे बढ़ रहे हैं कि लड़कियाँ साधारण होती हैं, बिल्कुल घर में रहती हैं, पर ख्वाब लड़की के भी और लड़की के माता पिता के भी ये होते हैं। IAS IFS से कम तो होना ही नहीं चाहिए। लड़की क्लर्क है पर इच्छा है कि IAS IFS होना चाहिए, Class 1 गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, तो इस बारे में बहुत ध्यान से सोच लीजिए, क्या आपका ये सोचना सही है? अगर सही है बहुत अच्छी बात है, अपने आप को पूरी तरह तैयार कीजिए कि आपके ख्वाब इतने ऊंचे हैं, आप इतना शानदार, एजुकेटेड,
वेल प्लेस लड़का देख रहे हैं तो उसके साथ आपको भी अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करना है, किस तरीके से अपने आप को मोल्ड करना है, उसके लिए भी तैयार रहिए। एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी से पहले ही ये बात जानना ज़रूरी है। शादी के बाद आपका तालमेल, आपका जो संबंध है वो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं लगना चाहिए, वो प्रेम और विश्वास पर आधारित होना चाहिए। अब बात आती है, कुछ लड़के जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, माता पिता साथ रहते हैं, कई बार दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, और उस घर में कन्या आती है और लड़के के परिवार वाले ये उम्मीद करते हैं कि वो आई है तो बस चाबी का गुच्छा उसको संभाल दिया है तो वो पूरा घर संभालेगी, चक्कर घन्नी की तरह घूमती रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लड़की तो घूमने के लिए तैयार हो जाती हैं, बहुत लड़कियां, मैं सबकी नहीं कह रही, कुछ लड़कियां बहुत अपने आप में अपना वो रखती हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, पर बहुत लड़कियां जिनके अंदर ये गुण हैं कि सहनशीलता और सहयोग करने की भावना, वो तो तैयार है। पर मैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है लड़के से भी और परिवार वालों से भी, कन्या को आप लेकर आए हैं उसको बहुत प्यार दीजिए, बहुत सम्मान दीजिए, वो आपके घर को अपना घर मान रही है तो आप भी उसको पूरी तरह अपना मानिए। सपोज़ जैसे उसको खाना बनाना नहीं आता, कुछ चीज़ें उससे नहीं बनाते बनती हैं, तो आप बहुत प्यार से उसको सिखा दीजिए, वो सीख लेगी। आपके घर का रहन सहन, रख रखाव अलग है, तो थोड़ा सा उससे भी अगर वो कुछ अपना बताना चाहती है तो उसको भी मान दीजिए, अपना भी उसे सिखाइए। पर इस सिखाने में और सीखने में प्यार बना रहना चाहिए, लड़का भी कुछ कामों में आगे बढ़ के सहयोग करें, परिवार वाले भी आगे बढ़ के सहयोग करें, कि अगर बड़ा परिवार है, किसी ने सब्जी बनाई, किसी ने रोटी बनाई, किसी ने सलाद परोसा, किसी ने टेबल लगाई, वाह वाह वाह, मज़ा आ जाता है। ऐसा होना ही चाहिए। लड़कों के मन में कई बार ये बात आ जाती है कि नहीं, मेरी माँ तो कुछ काम नहीं करेगी, जो बहू आई है वो ही सारा काम करेगी, मैं तो लड़का हूँ, मैं नहीं करूँगा, किचन में जाना नहीं, ये मेरा काम नहीं है। तो ऐसे बंधन ना रखिए तो अच्छा होगा। सहयोग करना है चाहे कहीं भी, कभी भी, जहाँ मौका लगता है, घर के परिवार के सब लोग आपस में सहयोग की भावना से कार्य करेंगे तो परिवार में खुशहाली बनी रहेगी, इसका बहुत ध्यान रखना है। एक और छोटी सी बात है हालांकि, पर बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत परेशानी का वायस बन जाती है परिवारों में। लड़की वेजिटेरियन है और वो जिस घर में आई है वो लोग नॉन वेजिटेरियन है। या तो आप पहले से निर्णय कर लीजिए शादी से पहले ही कि वेजिटेरियन है आप, बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन परिवार में ही रिश्ता रखिए, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन में रखिए। पर अगर आप ये रिश्ता ऑपोजिट तो नहीं मैं कहूँगी, अलग खान पान अंदाज में जा रहे हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में, तो थोड़ा एडजस्टमेंट लड़की को करना पड़ेगा, थोड़ा परिवार वालों को करना पड़ेगा। अगर लड़की चाहती है कि मैं वेजिटेरियन ही खाऊं तो खाने दीजिए उसको, उसको ज़बरदस्ती प्रेशराइज मत कीजिए इस बात के लिए कि हम नॉनवेज खा रहे हैं आप भी खाइए। या लड़की नॉनवेज आ गई है, परिवार वाले वेजिटेरियन है, तो लड़की को भी थोड़ा सा इस बात के लिए सहनशील होना पड़ेगा कि अगर परिवार वाले नहीं पसंद करते हैं उनके सामने नॉनवेज खाना, तो वो कुछ ऐसा रास्ता निकाल ले कि बाहर जाके या जहाँ कहीं पॉसिबल है वो ऐसा कर ले कि वो नॉनवेज खा सके, है ना। तो ये सामंजस्य बिठाना होगा, इसमें अकड़ना नहीं, अड़ना नहीं है, ना लड़के को, ना लड़की को, ना परिवार वालों को, मिलजुल के एक साथ कैसे हम इसको कर सकते हैं टॉलरेट, ये करना है। एक और बड़ी बात, आज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होना चाहिए, तभी परिवार आगे खुशहाल रह सकता है। बिल्कुल सही बात है, समय ऐसा आ गया है, ज़माना ऐसा है, और सही बात है, पैसा आता है तो घर के खर्चे बहुत अच्छे से पूरे होते हैं। वर्किंग वाइफ अगर आप लेकर आ रहे हैं, कन्या अगर वर्किंग है, तो उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें शादी से पहले ही जान लेना है। लड़की भी नौकरी करके आती है, लड़का भी नौकरी करके आता है, दोनों एक साथ घर में पहुंचते हैं, तो दोनों को ये समझना है
कि ऐसा नहीं है पूरी जिम्मेदारी लड़की की है कि वो आपको पानी का गिलास भी देगी, चाय बनाकर भी देगी। वो देगी, वो ज़रूर देगी, पर बहुत अच्छा लगेगा अगर कभी परिवार का कोई सदस्य लड़की को पानी का गिलास दे दे, पति लड़की को अपनी वाइफ को कभी चाय बनाकर पिला दे, बहुत अच्छा लगता है। संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता बढ़ती है, बहुत प्रेम बढ़ता है जब परिवार के लोग इस वर्किंग लड़की के साथ, जो कामकाजी है, जो आपके घर में काम इसलिए वो कर रही है कि आपके परिवार में अच्छा हो सके, आपके परिवार का लाइफस्टाइल बेहतर हो सके, इसीलिए तो वो काम कर रही है। वो अपने लिए नहीं कर रही है, वो पूरे परिवार के लिए कर रही है। तो पूरे परिवार के लोगों को उसका सहयोग करना है। जैसे आजकल कुछ लड़कियां सुबह 6 बजे उनको जाना पड़ता है नौकरी के लिए, वो खाना बना के नहीं जा सकती। ऐसे समय में अगर लड़का लड़की दोनों एक साथ पति पत्नी ही रह रहे हैं तो पति को उठना होगा, सहयोग देना होगा, उसको चाय बना के दे दीजिए, उसको कुछ हल्का सा ब्रेकफास्ट के रूप में जो भी आप सोचते हैं वो दे दीजिए। और अगर जॉइंट फैमिली है तो घर के लोगों को ये सोचना होगा कि उसको केवल चाय या नाश्ता देकर बहुत प्यार से उसको कहा जाए कि बेटा जाओ, हम पूरा घर अब हम देख लेंगे, अब हमारी जिम्मेदारी है, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो नौकरी करके आती है तब भी उसके ऊपर एक प्रेशर ना बना रहे कि अब मुझे किचन में जाना है, मुझे खाना बनाना है। अगर वो शौक से, अगर वो खुश होकर, वैसे वो करेगी ही, जो लड़कियां एडजस्ट करती हैं वो खुश होके खुद करना चाहती हैं, खुद आगे बढ़ के घर को संभालना चाहती हैं, पर उसको आपका दिया हुआ थोड़ा सा सहयोग उसके जीवन को बहुत सुंदर बना देता है। और इसका आपको पूरा ध्यान देना है। क्या जाने शादी से पहले, और जेंडर इक्वालिटी पे हम बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी में हम यही कहना चाहेंगे कि पुरुष को स्त्री के साथ मिलकर सहयोग देकर बराबर से, ये जो गृहस्थी की गाड़ी है, ये जो हमारे दो पहिए पर चलने वाली गाड़ी है, दोनों को बराबर से चलना है, तभी ये गाड़ी बहुत स्मूथली, बहुत सुंदरता से आगे बढ़ेगी। तो ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज जेंडर इक्वालिटी पर मुझे लगता है हम इतना ही बात करेंगे। आपके मन में जो भी आ रहा है उसके साथ चलिए, पर बहुत ध्यान रखिए इन सारी बातों का। समस्त शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही।